गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरसेल द किचन। आप सब लोग कैसे, आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग बहुत दिन से बोल रहे थे फुल बॉडी में वीडियो बनाने के लिए, इसलिए आज हम फुल बॉडी में वीडियो बना रहे हैं। और ये है मेरी मम्मी, इनके नाम से ही चैनल है और हमारा चैनल का नाम है आरसेल द किचन। तो आप लोग जरूर मेरे चैनल को सपोर्ट करें। और आज हम लोग बनाने वाले हैं बिल्कुल नई रेसिपी, जिसका नाम है मसाला पाव। तो चलिए अब मसाला पाव बनाने चल। एक पीस पाव ले लेंगे। एक पीस बड़ा आलू को अच्छी तरह से धो के छील के उबाल के मैश कर लिए हैं। थोड़ी सी लहसुन को रख के ले लेंगे। ये मिर्च पाउडर ले लेंगे हाफ टी स्पून, कश्मीरी मिर्च ले लेंगे हाफ टी स्पून, नमक ले लेंगे हाफ टी स्पून और एक टमाटर ले लेंगे इस तरह गोल कटी हुई। एक हरी मिर्च ले लेंगे, ये आप अपना स्वाद अनुसार लीजिएगा। हम एक हरी मिर्च लिए हैं और यहाँ पर मिर्च पाउडर ले लिए हैं। और एक प्याज ले लेंगे, नींबू ले लेंगे और टमाटो सॉस ले लेंगे और एक छोटी साइज का मक्खन ले लेंगे और 2 टीस्पून कॉर्न स्टार्च ले लेते हैं। चलिए बनाने चलते हैं। हम अपने कॉर्न स्टार्च को डाल देते हैं, मिर्च पाउडर को डाल देंगे, फिर मिर्च को डाल देंगे, नमक डाल देते हैं, लहसुन को डाल लेते हैं। अब सभी को मिक्स कर लेते हैं। बाहर से हम पाव लाकर ज्यादा दाम में खाते हैं, तो इस तरह से आप घर पर ही बना सकते हैं। बहुत ही इजी है इसे बनाना और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से बन जाता है और बहुत जल्दी बन जाता है। देखिए सभी को मिक्स कर लिए हैं। अब दोनों हाथ की सहायता से इसे टिक्की का शेप दे देंगे। देखिए इसे उंगली का सहायता से चपटा कर लिए हैं और जो साइड से अगर फटी है तो इस तरह उंगली का सहायता से इसे ज्वाइंट कर दीजिएगा। ऐसे रख देते हैं। देखिए ओवन का ऊपर हम तवा रख कर उसमें रिफाइन ऑयल ले लेंगे। अब आलू का टिक्की को इसमें डाल देते हैं हम। एक तरफ मीडियम लो फ्लेम में हम इसे सेकेंगे, रख के फिर दूसरी तरफ हम सेकेंगे। उसी तरफ हम उलट लेते हैं और हल्का सा लाल कर लेंगे इसे भी। देखिए दोनों तरफ पलट के सेक लिए हैं। अब ये हो चुका है, इसे नीचे उतार लेंगे हम। अब इसी तावा में हम बटर को डाल देते हैं थोड़ा और ये पाव को हम काट लिए हैं बीच से, पाव को सेक लेते हैं। ऊपर से बटन लगा दिए है, दूसरी तरफ भी सेक लेते हैं पलट कर, साथ साथ पे सेक लेंगे। नीचे उतार लेते हैं हम और थोड़ा सा बटन देंगे, दूसरी तरफ भी सेक लेते हैं। पलट लेंगे हम। देखिए दोनों तरफ सिक गया है, इसे भी नीचे उतार लेते हैं प्लेट को हम। दोनों प्लेट के ऊपर हम टमाटो सॉस लगा देंगे। अगर आपके पास हरी चटनी हो तो हरी चटनी भी लगा सकते हैं, वो भी खाने में बहुत अच्छा लगता है। देखिए सॉस लगा लिए है, अब इसके ऊपर आलू को रख देंगे हम। इसके ऊपर अब हम प्याज को डाल देते हैं। और टमाटर को डाल देंगे।
मिर्चा को डाल देते हैं, नींबू को डाल देते हैं, थोड़ी सी काली नमक को छीट देते हैं टमाटर और प्याज का स्वाद में प्याज आने के लिए। ऊपर से थोड़ा सा भुजिया को डाल देते हैं। अब दूसरी बाउल लेके पहली बाउल के ऊपर डाल देते हैं इस तरह से। थोड़ी सी सादा तिल को छीट देते हैं। तो देखिए बन गया है मसाला पाव, और ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है, देखिए खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। आप जब इसे ट्राई करें, जब भी आपका मन करे पाव खाने का, तो ये बहुत ही जल्दी घर का इंग्रेडिएंट से बन जाता है, बहुत टेस्टी रेसिपी है ये। आप एक बार ज़रूर से घर पर इसे ट्राई करें और हमें कौन पर पता आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करते, शेयर करते, व्हाट्सएप सेंड करते, फिर अगर फिर से देखने के लिए मैं चैनल के साथ जुड़े रहें। और अगर आप कमेंट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और आपको जैसा भी ये लगे रेसिपी जरूर हमें कमेंट पर बताएं आपको ये रेसिपी कैसा लगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। आपका सपोर्ट का हम लोग को बहुत ज़रूरत है।